एवरी बॉडी एंड वेलकम इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड नव वी विल डिस्कस अबाउट डी एन ए टेक्नोलॉजी अफ प्रोसीजर दैट आर यूज जॉइन टूगैदर डी एन ए सेगमेंट्स एक सीरीज ऑफ प्रोसीजर जो यूज किया जाता है ताकि सेगमेंट डी एन ए को आपस में जॉइन किया जाए और कम्बिनेट डी एन ए मोलिक्यूल इज कंस्ट्रक्टेड फ्राम अ सेगमेंट ऑफ टू और मोर डिफरेंट मोलिक्यूल्स जॉइन टुगेदर from two different species that are inserted into a host organisms to produce a new genetic combination that have valued in science medicine agriculture as well as industry सो रिकम्बन एन डी एन ए मालिक्यूल्स को कैसे बनाते हैं टू और मोर डिफरेंट मालिक्यूल्स के जो सेगमेंट uh, होते हैं उनको कम्बाइन कर दिया जाता है थ्रू लाइग इन्जाइम और उनको किसी भी डिफरेंट होस्ट सेल में इंजर्ट कर दिया जाता है जो कि बैक्टीरिया फंगाई और यीस्ट कुछ भी हो सकते हैं ताकि न्यू जेनेटिक कम्बीशन को प्रोड्यूस किया जाए ये जो प्रोसेस है इसकी बहुत वैल्यू है साइंस मेडिसिन एग्रीकल्चर एज़ वेल एज इंडस्ट्री पे सो देर स्टेप्स ऑफ रिकम्बन एन डी एन ए टेक्नोलॉजी सो इन फर्स्ट स्टेप हमने जो फ्रेगमेंट ऑफ़ डी एन ए हैं या सेगमेंट ऑफ डी एन ए वो आइसोलेट करना है तो क्लोनिंग वेक्टर्स जो हैं बेसिकली सेल्फ डुप्लीकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें सेगमेंट ऑफ डीएनए को इंसर्ट किया जाता है और उसकी फर्दर कॉपीज बनाई जाती हैं सो so, इसलिए हम कहते हैं कि जो वेक्टर हैं वो प्लाज्मिड भी हो सकते हैं और बैक्टीरिया भी हो सकता है सो so, हमने यहाँ पर सेगमेंट ऑफ डी को इस वैक्टर में इंजर्ट करना है इंट्रोड्यूस करवाना है थ्रू लाइगेज इन्जायम सो so, हमारे पास रिकम्बीनेंट डीएनए की फॉर्मेशन सो so, हमारे पास जो रिकम्बेनेट डीएनए मॉलिक्यूल है अब हम इसको होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवाएंगे सो so, हमारे पास सेकंड स्टेप है ट्रांसपोर्ट इनटू अ होस्ट सेल जब हम रिकम्बिनेट डी एन मॉलिक्यूल को किसी भी होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं सो so, यहाँ पर जब हम होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को ये परफॉर्म किया जाता है कि हम ट्रांसफॉर्म्ड सेल को यानी वो होस्ट सेल्स जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स को अप कर लेते हैं उनको सेपरेट करते हैं फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल से सो थर्ड स्टेप इज़ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेट डी एन ए मालिक्यूल यहाँ पर होस्ट सेल में मल्टीप्लीकेशन होती है होस्ट सेल यहाँ पर हम यीस्ट भी यूज़ करते हैं मोस्टली बैक्टीरिया फॉर एग्ज़ाम्पल ईक्ली यूज़ किया जाता है एज वेल एज फंगाई भी हम यूज़ कर सकते हैं सो होस्ट सेल में मल्टीप्लीकेशन होती है आफ्टर द रिकोगशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल जब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उसके बाद डिवीज़न होती है फोर्थ स्टेप इज़ डिवीज़न ऑफ होस्ट सेल यानी एक सेल टू सेल में डिवाइड होता है डिवीज़न होती है मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस ट्रांसफॉर्म्ड सेल ही परफॉर्म करते हैं डिवीज़न के बाद फिफ्थ स्टेप है न्यूमरस सेल डिवीजन रिजल्ट इन क्लोन तो हमारे पास फाइनली क्लोन की फॉर्मेशन होती है यानी आइडेंटिकल कॉपी की फॉर्मेशन हो जाती है रिक्वायर्ड थी सो ये स्टेप्स थे रिकम्बे डीएनए डी टेक्नोलॉजी के हम फर्दर इन स्टेप को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग